Assalamualaikum Savians, hope so you are good and doing your work very well. So class 2, in a previous lecture we done the reading of unit number 3. In this lecture we start the exercise of unit number 3. So let's start our work. So the students, our question number 1 hai exercise ka. Identify the parts of a desktop screen. Desktop की screen आपको दिखाई गई है, इसमें से आपने क्या करना है, इसके जो parts को label करना है. आपने पढ़ा था पीछे lecture में, ये हमारी task bar होती है, ये कौन सा panel होता है, ये कौन सा. तो आपने उसको remind करके उसको इस तरह यहाँ पर solve कर लेना है. ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा guide कर देती हूँ. ये हमारे क्या होते हैं, ये देखिए हमारे पास कंप्यूटर बना है, इंटरनेट एक रिसाइकल भी नहीं है. सारे हमारे क्या हैं, आइकन्स हैं. क्या हैं, आइकन्स. ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन. और ये हमारी क्या है, मेन एरिया हमारा ये होता है. और ये हमारा कौन सा होता है, नोटिफिकेशन एरिया. ये सारी भी आपने पीछे जो है रीडिंग में आपने ये सारा पढ़ा था, आपने उधर से ही इसको रिमाइंड करके कम्प्लीट कर लेना है. तो अब आपने इसको करना क्या है, कि आपने इसको क्या है कंप्लीट करना है. इस डायग्राम को आपने खुद लेबल करना है और इसकी पिक्चर आपने मुझे कमेंट सेशन में भी भेजनी है. ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. जी तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मैचिंग है. फर्स्ट वन इज, देखिए ये उसी से रिलेटेड आपको मैचिंग भी दे दी गई है. ये हमारा कौन सा बटन होता है जिस पे इस तरह करके विंडो का साइन होता है, ये हमारा स्टार्ट बटन होता है. तो देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन का कोई आपको दिया हुआ है, यस ये है, आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है. नेक्स्ट वन इज, ये देखें आपको मैंने बताया था जहाँ पर हमारे इंटरनेट का साइन होता है, यूएसबी वगैरह अटैच करते हैं, वहाँ पर हमारी नोटिफिकेशन डेट वगैरह होती है. वो हमारी कौन सी चीज़ होती है, नोटिफिकेशन एरिया. तो हमारा ये नोटिफिकेशन एरिया किधर लिखा हुआ है, ये हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया. नेक्स्ट ई से आपको पता चल रहा है कि देखिए अभी मैंने ऊपर आपको बताया था हमारा ये वाला साइन है, ये इंटरनेट का साइन होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का. तो आपको देखें आपको दिया हुआ है ये ऑप्शन, यस ये देखें ये आपको ऑप्शन भी दिया गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर का. तो आप इसको इसके साथ मैच कर दें. नेक्स्ट आ जाएं, अब ये बटन्स हैं, आप देखें इनमें से एक जो हमारा क्रॉस लगा होता है ये हमारा क्लोज बटन होता है, और ये हमारा कौन सा होता है, मिनिमाइज. मिनिमाइज को मिनिमाइज के साथ मैच करें और क्लोज बटन को क्लोज के साथ. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया सॉल्व. अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड बिलो. आपको अक्रॉस और डाउन दो आपको दिए हुए हैं. जो एक है हमारा वो ए वाले एरिया पे आपने लिखना है. ये देखें ए वाला एरिया है, यहाँ पर उसके सारा लिखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे अक्रॉस का मतलब होता है इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में. और डाउन का मतलब होता है ये. ठीक है, अब आपको ए बी सी डी ये सारे आपको नीचे आपको दिए हुए हैं, देखिए नंबर भी दिए हुए हैं. तो आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसका आंसर करके आपने उसका आंसर इस पजल में सॉल्व करना है. तो उसका आंसर चलें फर्स्ट वाला देखते हैं. टी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू रन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को रन करने के लिए दो टाइप के हमने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल, एंटीवायरस वगैरह हो गया वो होता है. अब हमारे सिस्टम को चलाने के लिए होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, हमारा ए वाली जगह पे क्या आ जाएगा, सिस्टम. हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिस्टम. तो हम जहाँ पर ए लिखा हुआ है ये देखें अक्रॉस में, अक्रॉस में इस डायरेक्शन में जाना है ए. ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सिस्टम. एस वाई एस टी ई एम. ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाएं. नेक्स्ट वन इज मेन वर्किंग एरिया ऑफ विंडोज. विंडोज का मेन वर्किंग, जहाँ पर मेन काम हो रहा होता है वो मेन वर्किंग एरिया हमारा कौन सा होता है, डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे हमारे सारे आइकन होते हैं ना, अभी मैंने आपको दिखाया है, ये देखें ये हमारा डेस्कटॉप होता है और वहाँ पर हमारे आइकन्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमारी किधर होती हैं, डेस्कटॉप पे. तो हमारा वहाँ पर जो हमारा बी वाला है ये हमारा
कौन सा था इसका बी, तो हमारे यहाँ पे जो पजल में जो बी होगा, देखिए किधर लिखा हुआ है बी, ये है, और किधर है अक्रॉस, क्या लिखा हुआ था, हेडिंग क्या थी, अक्रॉस, तो अक्रॉस की डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी, तो हमारा डेस्कटॉप की जो स्पेलिंग है वो हमने इस तरफ लिखने हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा डी ई एस के डेक्स टी ओ पी टॉप, तो हमारा डेस्कटॉप भी हो गया। नेक्स्ट वन इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के बॉटम पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कौन सी बार होती है, टास्क बार, तो हमारा सी वाला क्या है, टास्क बार, तो हमारा टास्क बार हम नीचे देखेंगे, हमारी जो हमने पजल दी हुई है वहाँ पर सी किधर लिखा हुआ है, ये तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा टी ए एस के टास्क बी ए आर बार, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा डी वाला, डी है ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल फाइल, कौन सी फाइल, कौन जो है मतलब जो उनसी कौन सी ऐप है या कौन सी सिस्टम का जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड करती है फाइल को और कंट्रोल करती है फाइल को। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, ये हमारा विंडो एक्सप्लोरर है, वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड का मीन होता है कि स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, पहले 1 2 3 ऑर्गेनाइज करना है कि डेट वाइज, पहले इस डेट को हमारी जो हमारे फाइल है वो आई है, फिर उसके बाद सेकंड वन, तो ये सारा काम हमारा विंडो एक्सप्लोरर का होता है। और विंडो एक्सप्लोरर हम कहाँ से निकालते हैं, ये हमारे टास्क बार पर येलो कलर का जो बॉक्स होता है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारे विंडो एक्सप्लोरर के सारे टास्क आ जाते हैं। तो हमारा ये क्या है, एक्सप्लोरर, तो हमारा एक्सप्लोरर कौन सा है, डी वाला, तो यहाँ पर हम डी वाला किधर है, हमारे पास डी किधर लिखा हुआ है, ये हमारा टास्क बार था और इसके ये देखें ये हमारा डी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सप्लोरर, ई एक्स पी एल ओ आर ई आर एक्सप्लोरर। चले हमारे डी तक तो कंप्लीट हो गया, क्रॉस वाले अब डाउन वाले हैं, डाउन मीन हमने इस डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, मोस्ट कॉमनली टाइप हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी होती है, विंडो, ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर जो है हमारा वो हमारा क्या था, उधर सारी हमारी चीजें ऑर्गेनाइज थी, ठीक है, और जो विंडोज होती है हमारी वो हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मोस्ट कॉमन टाइप हर कंप्यूटर में होता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, विंडो, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू एस, विंडोज, ठीक है। आगे आ जाएं, एनलार्ज द फुल स्क्रीन, पूरी स्क्रीन को बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है, तो एनलार्ज करने का एक और होता है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज, तो हमारे यहाँ पर एम किधर लिखा हुआ है, सेकेंड पर जाना है और एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा मैक्सिमाइज, एम ए एक्स आई एम आई जेड ई, तो हमारा ये देखें ये मैक्सिमाइज बन गया। अब हमारा रह गया है ओपन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन को ओपन करने के लिए हम किधर क्लिक करते हैं, स्टार्ट बटन पे, तो थर्ड वन इज दिस, ये थ्री है, और डाउन की तरफ जाना है एस टी ए आर टी स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ट्रू फॉल्स का है, सॉफ्टवेयर कैन बी स्प्लिट इनटू टू कैटेगरी, सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होती हैं, टू, यस, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू। नेक्स्ट है द मेन एरिया वी सी, जो मेन एरिया है विंडो का वो हमारा क्या होता है, डेस्कटॉप, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, स्टार्ट, विंडो स्टार्ट, जो हमारा विंडो स्टार्ट हो रहा है मेन एरिया वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है, नो, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स, स्टार्ट बटन इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार, राइट साइड पर होता है कि लेफ्ट साइड पर होता है, खुद सोचें, आपको आपके स्टार्ट बटन के बारे में आपने पढ़ा था, ये आपका राइट साइड होता है और ये आपके लेफ्ट साइड होती है, तो आपके लेफ्ट साइड पर होता है स्टार्ट बटन, इस साइड पर ही होता है ना, तो हमारा स्टार्ट बटन किधर है, लेफ्ट साइड पर, तो इन्होंने क्या लिखा है, राइट साइड, तो हमारी स्टेटमेंट ये फॉल्स है, ठीक है।
टाइम इज लोकेटेड इन द नोटिफिकेशन एरिया, टाइम जो है नोटिफिकेशन एरिया में लिखा नजर आता है, यस, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू। देयर आर फोर बटन्स ऑन द टॉप ऑफ द, चार बटन होते हैं विंडो एक्सप्लोरर में जब हम उसको ओपन करते हैं, जिसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, नहीं तीन बटन होते हैं, एक इस तरह होता है, एक मैक्सिमाइज का और एक क्रॉस का, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्रॉस का, तो ये कितने बटन है, 1, 2, 3, लेकिन इन्होंने कितने लिखे हैं, 4, तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट अब आ जाएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फिलिंग जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अभी हमारा क्वेश्चन 5 रहता है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। इनसर्कल द करेक्ट आंसर, आपको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको आपने जो सही है उसको क्या है, इनसर्कल करना है। विच वन इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, आइकन, सॉफ्टवेयर या विंडो, विंडो अभी हमने पढ़ा था ना पीछे, अभी हमने सॉल्व किया था, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे है विच बटन चेंजेस टू मैक्सिमाइज बटन वन प्रेस्ड, कौन सा बटन है अगर हम उसको दोबारा प्रेस करें तो वो मैक्सिमाइज हो जाता है बड़ा, क्रॉस से तो क्रॉस होता है, मिनिमाइज से नीचे हो जाता है, तो हमारा कौन सा होगा, रीस्टोर। नेक्स्ट है व्हेन अ प्रोग्राम और फोल्डर इज ओपन, जब हमारा प्रोग्राम फोल्डर ओपन होता है, वेयर डज इट अपीयर, ये कहाँ पर अपीयर होता है, नोटिफिकेशन या स्टार्ट में या टास्क बार में, जो भी हम ओपन करते हैं उसकी जो हमारी फाइल होती है वो टास्क बार में चली जाती है, तो हमारा ये क्या है, टास्क बार। नेक्स्ट है विच इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन जो होता है वो सिस्टम के अंदर हम अलग से उसको इंस्टॉल करते हैं, विंडो तो हमारा सिस्टम है, मैक भी हमारा सिस्टम है, तो अडोब फोटोशॉप में अपनी पिक्चर्स वगैरह करते हैं, तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज फिल इन द मिसिंग लेटर, ये लेटर्स को आपने फिल करना है, फर्स्ट वन इज एस डैश एफ डैश डैश ए डैश ई, एस से क्या बनता है, सॉफ्टवेयर, यस, हम यहाँ के लिख देंगे एस ओ एफ टी सॉफ्ट डब्ल्यू ए आर ई वेयर सॉफ्टवेयर, आगे डी फॉर डेस्कटॉप, ठीक है, डी ई एस के डेक्स टी ओ पी टॉप। अब ये देखिए कौन सा एरिया बता रहे हैं हमें, नोटिफिकेशन एरिया, एन ओ टी आई नोटी एफ आई सी आई ए एन के टी आई ओ एन नोटिफिकेशन, ठीक है, एन ओ टी आई नोटी एफ आई सी ए टी आई ओ एन नोटिफिकेशन एरिया। अब नेक्स्ट वन इज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज, एक्स आता है एम ए एक्स, तो मैक्सी एम आई जेड ई मैक्सिमाइज, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 इज आपने क्या करना है, वर्ड्स आपको दिए गए हैं इनको आपने सर्च करना है, कलर करना है, फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरर, आपने क्या करना है, ई पहले देखना है, इस लाइन में ई है, यस, फिर आपने देखना है उसके साथ एक्स आता हो, एक्स आ रहा है, फिर पी एल ओ आर ई आर एक्सप्लोरर, तो आपने क्या करना है, इनको आपने इतने बॉक्सेस बनते हैं उसको आपने कलर कर लेने हैं और आपका ये वाला वर्ड हो जाएगा, इसी तरह आपने अगले टू वर्ड्स भी करने हैं। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट होता है, आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, यहीं तक आपका सिलेबस था, होप सो आपका सारी लेक्चर्स की समझ आ गई होगी, अल्लाह हाफिज़।